हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद आरवी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल का पहला टॉपिक है रॉक एंड स्टोन्स। रॉक की उत्पत्ति कैसे हुई? रॉक की उत्पत्ति वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा। रॉक की उत्पत्ति वोल्केनिक इरप्शन से, जो मैग्मा या लावा निकलता है उस वह ठंडा हो जाने पर रॉक के फॉर्म में हो जाते हैं। इसकी एक साइकिल है, और साइकिल क्या है? वोल्केनिक इरप्शन, फिर वोल्केनिक इरप्शन से इग्नियस रॉक के फॉर्म में आता है। इग्नियस रॉक के फॉर्म से सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट में कुछ वेदरिंग होती है, फिर उसके बाद ये सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में आ जाता है, और सेडिमेंट्री रॉक से ये मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाता है, और यही मेटामॉर्फिक से मैग्मा के फॉर्म में आ जाता है, और फिर ये मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में आ जाता है। यह एक संपूर्ण साइकिल है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, इसके क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है जियोलॉजिकल, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है केमिकल। तो पहला हम देखेंगे जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल में पहला फॉर्म हम देखेंगे इग्नियस रॉक जो होता है मैग्मा के ठंडा हो जाने से जो रॉक बनती है उसे मैग्मा इग्नियस रॉक कहते हैं। रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। और इग्नियस को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है प्लूटोनिक, दूसरा है हाइपर बेसल, और तीसरा है वोल्केनिक रॉक। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो